नमस्कार, माँ की पाकशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं माया देवी आज नई रेसिपी लेकर आई हूँ, तरबूजे के छिलके के लड्डू। तरबूजे के छिलके के लड्डू कैसे बनता है तो आज आप लोगों को बताऊंगी। अक्सर हम तरबूजे जब घर में लाते हैं तो लड्डू छिलके फेंक देते हैं और उसका गुदे खाते हैं, तो हम आज उस छिलके से हम लड्डू बनाकर दिखाएंगे। अब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी मनोबल बढ़ती रहे, नई नई वीडियो लेकर आप लोगों के सामने मैं आती रहूं। तो चलिए तो मैं दिखाती हूं कि छिलके से कैसे लड्डू हम बनाएंगे। तो ये देखिए तरबूजा है, इसको बीज वाला भाग हम इस्तेमाल कर चुके हैं, ऐसे पी वाला रखे हैं, तो इसको हम छील लेंगे। इसलिए छिलका हम हटा देंगे। इस तरह इसको छीलना है। ये देखिए, जब भी आपके घर में मेहमान आएंगे, ये लड्डू आप बना कर खिलाएंगी तो आपको मेहमान ताजु मानेगा कि भाई इस किस चीज़ का लड्डू है, पहचान नहीं पाएगा। तो देखिए इस तरह हम छीलना है और इसको हम ऐसे काट लेंगे। ऐसे काट करके इसको हम घिसेंगे, तो सबको हम छील लेते हैं, तो हम घिस करके भी आपको दिखाते हैं। तो देखिए घिसने वाला है, इस तरह इसको हम घिस लेंगे। ये मोटा वाला है तो इससे घिसेंगे, बहुत आसानी से घिस जाएगा। सारे हम ये तरबूजे के छिलके को इस तरह छील करके इस तरह हम घिस लेंगे लड्डू बनाने के लिए। देखिए कितना बढ़िया हम घिस रहा है, हम इसे हम लड्डू बनाएंगे। ये देखिए हम सबको घिस लिए, घिस करके इस तरह हम बना लिए हैं। और हम आधा के जी हमारा तरबूजा के छिलका है, और ये हम 250 ग्राम चीनी और 4 छोटी इलायची लिए, इतने से हम लड्डू बनाएंगे। तो चलिए हम चूल्हे पर चलती हूँ, अब इसको बनाना शुरू करती हूँ। अब चूल्हा को जला लेते हैं, चूल्हा को जला लिए, कढ़ाई चढ़ा लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे पानी, हम उतना पानी डालेंगे कि जो हमारा ये छील कर रखे हैं तरबूजे के छिलके के ये गुद्दा, इसको हम डूब जाए। मेरा 2 गिलास पानी हम डाल रही हूँ, देख रही हूँ, चेक करती हूँ। अब इसमें मैं इसको डाल देती हूँ, छिलके को डाल देती हूँ। अब इसको हम बॉइल कर लेंगे। बॉइल करने के बाद सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट करने के लिए हम बॉइल कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि लड्डू बनाने के लिए थोड़ा सॉफ्ट होना ज़रूरी है। इसमें पानी रहता है, ये पानी भी छोड़ देगा, तो इसको पानी को हम गार देंगे। तब इसको हम ढक देते हैं, ढक देते हैं इसको। 1 मिनट तक हम बॉयल करेंगे इसको, ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, 1 मिनट तक बॉयल करना है। उतना तक बॉयल करना है कि ये हमारा तरबूजे के छिलके जो इसका पानी जो है निकल जाए पूरी तरह से। चलिए तो मैं चेक करती हूँ, देखती हूँ। 1 मिनट हो चुकी है, ये देखिए 1 मिनट हो चुकी है। ये जो तरबूजा के मेरा ये गुद्दा है, ये छिलका इसका हो चुकी है, हमारे लड्डू के लिए तैयार हो चुकी है। तो अब इसको हम गैस को बंद कर देती हूँ, अब एक छन्नी में इसको हम छान लेती हूँ। ये देखिए इस पन्नी में हम पलट देंगे और इसका पानी जो है ये सब निकल जाएगा। इस तरह हम गार देंगे इसकी पानी को, ये देखिए सारे पानी इसका निकल जाएगा। ये देखिए इसका पानी निकल गया ना, कितनी आसानी से इसका पानी निकल गया। कुछ ज़्यादा बॉयल नहीं चाहिए, हल्की बॉयल चाहिए ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। चलिए तो थोड़ी ठंडा होने देती हूँ हम इसका, अच्छी तरह पानी गार लेती हूँ। इस तरह मैं गैस जला लेती हूँ, कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। अब ये जो है इसको उबाल के जो रखी हूँ तरबूजे को, इसमें डाल देती हूँ। इसको भूंज करके इसको पानी को मैं सुखा लूँगी। इसको पानी को मैं पूरी तरह से सुखाऊँगी, तब इसमें चीनी डालूँगी, चाशनी डालूँगी। इसको पानी को सुखा लेती हूँ, क्योंकि इसमें चीनी डालेंगे तो ये पानी छोड़ देगा, तो ज़्यादा गल जाएगा तो मेरा लड्डू बनने में कठिनाई होगी, लड्डू नहीं अच्छी बन पाएगी। इस तरह इसको पानी सुखा लेना है। ये बिना घी, बिना मेवा के, बिना खोआ के ये लड्डू इतनी अच्छी बनती है इसकी, कि आदमी खाएगा तो खाते रह जाएगा। ये
ये देखिए ये भून चुकी है। अब इसमें हम चीनी डाल देते हैं। अब इसको चीनी को घोलने देते हैं। अब इसको चलाते रहेंगे और इसको छोड़े नहीं, क्योंकि छोड़ दीजिएगा तो ये चीनी जो है ये इसमें लग जाएगा तो अच्छी नहीं बनेगी लड्डू, तो स्वाद खराब हो जाती है। तो ये देखिए चीनी घोलना चालू हो गया है। इसको कड़ा चिप हम लड्डू बांधने लाए तो इसको हम बना लेंगे। ये देखिए चलो धीरे धीरे हम चलाते रहेंगे। ये देखिए चीनी घुलना चालू हो गया। देखिए ये देखिए थोड़ी सा फ्रूट कलर हम लिए हैं। देखिए एकदम माइनर लिए, थोड़ी सा आप चाहे तो डालिए चाहे तो नहीं भी डाल सकते, लेकिन थोड़ा सा डाल देने से इसका कलर लड्डू का सुंदर आ जाती है। ये देखिए हम चला देते हैं अच्छी तरह। देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आने लगा। तो ये देखिए हमारा ये लड्डू के लिए तैयार हो रहा है। तो हमको ज़्यादा चूड़ा नहीं रखना है, इसको पूरी तरह से सुखा देना है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं एक थोड़ी सी काजू के हमने पाउडर कुछ करके रख लिए हैं कुछ करके। ये छोटी इलायची है इसको भी हम इसमें डाल देते हैं, इसको चला लेती हूँ। लड्डू में ड्राई फ्रूट आदमी डालता था पर इसका टेस्ट दोगुना बढ़ जाता है। ये छोटी इलायची की खुशबू आने लगता है, अच्छा खाने में अच्छा लगता है बोलते। अरे अब ये लड्डू बनने के लिए तैयार हो चुकी है। तब हम गैस को बंद कर देती हूँ। देखिए हो चुकी है। देखिए अभी इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं सूख चुकी है। तब इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडी होने के लिए छोड़ देंगे, तब हम इसको लड्डू को बनाएंगे। अब हम गैस को बंद कर देती हूँ। चलिए तो ठंडी होने के लिए छोड़ देती हूँ। चलिए तो मेरा लड्डू बनाने के लिए डो ठंडा हो चुकी है। तो इस तरह हम सारे लड्डू को बना लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से मेरा लड्डू बनकर तैयार हो रही है। ये देखिए इस तरह हम सारे लड्डू को बना लेंगे। बनाने में बहुत आसानी है, खाने में भी जितना बनाने में आसानी है उतना खाने में भी अच्छा लगता है ये लड्डू। ये देखिए इस तरह हम सारे लड्डू को बना लेंगे। ये लीजिए मेरा तरबूजे का लड्डू बनकर तैयार हो गया, तरबूजे के छिलके का। इस तरह आप भी अपने घर में लड्डू बनाएं और खाएं और स्वस्थ रहें। और मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। और फिर मिलती हूँ अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।